कक्षा 8 विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 11 अर्थात विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कराने जा रहा हूँ। इसके प्रश्न उत्तर है, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये आपका लेसन 11 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। तो ये है, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं, अर्थात चालक का उसमें नहीं होती, विद्युत का चालन नहीं होता है। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के बने होते हैं। अशुद्ध जल में विद्युत चालन नहीं होता है। शुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल अशुद्ध जल को कहते हैं। तो शुद्ध जल में या अशुद्ध जल में क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यही मुख्य परिभाषा है इसकी बच्चों इस लेसन की। तो ये फिर से याद करना है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा किसी एक पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। यानी विद्युत धारा की सहायता से विद्युत लेपन हम कर सकते हैं। किसी एक पदार्थ का मतलब एक धातु का लेप दूसरी धातु पर चढ़ा सकते हैं इसकी सहायता से। अब यह है प्रश्न है, विद्युत सुचालक और हीन चालक से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और विद्युत सुचालक कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। मतलब ये है कि विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है वो चालक है, और जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है वो हीन चालक या विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। अगला है, अशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक किंतु नल का जल विद्युत का सुचालक होता है। क्यों हीन चालक से मतलब कुचालक होता है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो अशुद्ध जल में लवण नहीं होते हैं, अतः इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात यह विद्युत का हीन चालक होता है। जबकि नल का शुद्ध जल शुद्ध नहीं होता, इसमें खनिज लवण की थोड़ी मात्रा घुली होती है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। लवणों की सहायता से हमें उनके आयन मिल जाते हैं जिसकी सहायता से चालन होता है विद्युत का। और अशुद्ध जल में कोई लवण नहीं होता तो उसका कोई अवयव नहीं मिल पाता, कोई आयन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से विद्युत धारा चल सके। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य अर्थात इसकी परिभाषा देनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत धारा की सहायता से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहेंगे। अगला है, विद्युत लेपन करने के क्या कारण है, कारण बताना है। तो विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित कारण है। तो नंबर एक, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नंबर दो है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में ना आए। नंबर तीन है, विद्युत लेपन से धातु अयस्क से धातु शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बना रहे हैं हम। नंबर एक है, कार के कुछ भाग हैं। नंबर दो, नल की टोटी है। नंबर तीन, गैस का बर्नर है। नंबर चार, साइकिल का हैंडल है। नंबर पांच, पहियों के रिम है। नंबर छह, खाद्य पदार्थों के भंडारण में प्रयुक्त लोहे के डिब्बे हैं। और नंबर सात है, पुल तथा स्वचालित वाहन आदि। वोल्टीय सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है।
तो ये उत्तर है वोल्टियर सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे की प्लेट, एनोड तथा जस्ते की प्लेट, कैथोड का तथा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर सेल किसका बना होता है? तो सौर सेल सिलिकॉन की दो परतों का बना होता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं, पहले यह है तो निम्नांकित, पहला है निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है, इसमें बताना है कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो सबसे पहला ही है आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं है, मतलब ये जो है इसमें से विद्युत धारा, आसुत जल का मतलब शुद्ध जल, इसमें से विद्युत धारा नहीं बहती। नंबर दो पे आते हैं, सरल वोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में होता है तो क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ध्यान रखना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए, ये H2SO4 होता है सूत्र इसका, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, नंबर तीन पे विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? ये कहलाता है विद्युत लेपन, ये इस प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो बच्चों ये भी आप याद रखना है इसको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, तो ये आपका पहला ही है विद्युत सेल, विद्युत सेल नहीं बोलते उसको, वोल्टामीटर बोलते हैं बच्चों, ये है वोल्टामीटर, तो ये वोल्टामीटर है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर एक है साधारण सेल, साधारण वोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य विलयन होता है, कौन सा विद्युत अपघट्य विलयन होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पे क्या लिखना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक, चलिए नंबर दो आता है किसी विलयन में विद्युत धारा, यानी किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, कौन सा होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यही लेसन का नाम भी है, तो यहीं पर भरना है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नंबर तीन पे आ जाइए, नंबर तीन क्या है? सौर सेल में क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सौर लिखेंगे, सौर ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये क्या लिखेंगे यहाँ? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी सौर सेल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नंबर चार, वोल्टामीटर द्वारा सस्ती धातुओं का बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? विद्युत लेपन, ये बच्चों विद्युत लेपन कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। नंबर पांच, प्राचीन घड़ी कैलकुलेटर ट्रांजिस्टर एवं कृत्रिम उपग्रहों में सेल का उपयोग किया जाता है, कौन सी सेल होता है? वोल्टियर सेल होता है, बच्चों ये याद रखना है वोल्टियर सेल। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो उसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, इसे चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में खनिज लवण मिला देते हैं। आग लगने पर फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्यों? तो ये उत्तर है, आग लगने पर फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, क्योंकि पाइप का पानी शुद्ध नहीं होता है, इसमें कुछ मात्रा में लवण मिले होते हैं,
तथा वह विद्युत का सुचालक होता है और व्यक्ति को झटका लग सकता है बिजली का, इसलिए वो बंद कर देते हैं। चलिए, लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो भाई लोहे पर जंग ना लगने लगे, जंग से बचाने के लिए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए। ये विद्युत अपघटन आपको दिखाया गया है। उत्तर है, विद्युत सुग्राही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन क्या अपने अवयवों में विद्युत अपघटन कहलाता है, मतलब अपने अवयवों में अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण है, किसी पात्र में अम्लीय जल यानी पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। यहाँ दिखाया गया, देखो ये आपका सेल है, यहाँ पे सेल है और यहाँ पर क्या है, अम्लीय जल लगा हुआ है। इसके अंदर क्या मतलब, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र मैंने बताया था, H2SO4 होता है। और ये वाली जो प्लेट होती है, यहाँ पे प्लेटें लगी होती है तो प्लेट में ये एनोड का काम करती है। ये प्लेट बना दीजिएगा, ये एनोड का काम कर रही है और यहाँ पर भी एक प्लेट लगा दीजिए, ये कैथोड का काम करती है। ये कैथोड यहाँ दिखाया गया है, मतलब एनोड का मतलब ये प्लस वाला सीधा है जुड़ा हुआ, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद करना रहता है। चलिए आगे देखते हैं, बटन सेल के विद्युत अपघटन धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव का नाम बताइए। बटन सेल के विद्युत अपघटन सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं, धन ध्रुव जिंक या एल्युमिनियम का होता है और ऋण ध्रुव सिल्वर ऑक्साइड या मर्करी ऑक्साइड का होता है। विद्युत लेपन के कोई तीन उपयोग बताइए। तो विद्युत लेपन के उपयोग है, नंबर एक, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। नंबर दो, विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु एस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर तीन है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों के लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पर जंग नहीं लगे। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे की तरफ लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों को कौन सा वीडियो भेजना है उससे संबंधित, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय रहते मिल सके और उसका फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।